हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको पांच इनोवा दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है दो ओल्ड वाली इनोवा एंड देन यहाँ पे आगे तीन इनोवा क्रिस्टा है। तो यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसी के अलावा यहाँ पे और भी तीन इनोवा क्रिस्टा जल्द ही आने वाली है, मतलब छः इनोवा क्रिस्टा हो जाएगी। तो मैं सारी इनोवा क्रिस्टा का एक बार वीडियो निकालूंगा कि सारी इनोवा क्रिस्टा की रेंज क्या होने वाली है, क्या प्राइजेस होने वाली है। बट इस वाले वीडियो में हम इन पांचों कार्स की जो ये कंडीशन देखने वाले हैं, इनकी प्राइस के डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ जो ये नासिक के कार मॉल में सेल पे अवेलेबल है एज अ सेकेंड हैंड कार। और इसके अंदर हम फाइनेंस की भी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने प्राइस तक इनके ऊपर जो ये फाइनेंस होने वाले हैं, क्योंकि सारी कार्स के ऊपर जो ये आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिल जाता है। बट कार्स दिखाने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स के वीडियो जो लाते रहता हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पे ये है सारी इनोवा। तो यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा रेंज में आपको ये गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली इनोवा से, जो कि होने वाला है 2017 का मॉडल। ये एक बेज कलर है, तो आप एक बार कलर भी देख लीजिए, आपको सारे कलर जो ये डिफरेंट मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये है ग्रे कलर, ये है ब्राउन कलर, उसके आगे है सिल्वर कलर और उसके आगे है वाइट कलर। तो काफ़ी अच्छे आपको कलर ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं कार्स के अंदर। ये है बेज कलर, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखें तो हेलोजन हेडलैम्प्स है, नीचे यहाँ पे फॉग लैम्प्स है। फ्रंट अगर आप यहाँ पे देखें गाड़ी का, तो फ्रंट भी बहुत मतलब अमेजिंग लगता है। गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊँगा, बट उससे पहले आप इसको बाहर से देख लीजिए। पूरा साइड लुक आप इसकी देख लीजिए, जो लुक्स है वो बहुत ही तगड़ी है। अगर आप इसके अलॉयज देखें तो अलॉयज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार टायर साइज़ बताता हूँ, तो 205/65R16, तो 16 इंचेस के अलॉयज है और टायर साइज़ भी आप देख चुके हैं। ये है गाड़ी की रेयर लुक, तो पीछे से कुछ गाड़ी इस तरह की दिखती है। ये वाला जो मॉडल है ये एक 2.8G मॉडल है, तो मॉडल भी आप नोट कर लीजिए, मॉडल के हिसाब से जो ये प्राइजेस चेंज होती है। पीछे की जो विंडो है, जो विंडशील्ड है, इसके अंदर आपको जो ये डिफॉगर्स मिलते हैं, रेयर वाइपर भी है। यहाँ पे है इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग। गाड़ी की अगर आप ये साइड की भी लुक देखें तो यहाँ से भी जो गाड़ी है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ है। एक बार मैं आपको ये गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ, सो उससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगी कि गाड़ी की कंडीशन क्या होने वाली है। सो ये एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। यहाँ पर आप इसके अंदर से कंडीशन देख सकते हैं। जो इंटीरियर है ये बेज एंड ब्राउन कलर में है, तो इंटीरियर तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनोवा क्रिस्टा होती ही प्रीमियम कार्स में, प्रीमियम कैटेगरी में आती है ये गाड़ी। सो यहाँ पे आप डोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उड़न की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, यहाँ पे आपको एक चाइल्ड लॉक मिलता है। ये आपकी यहाँ से आप जो ये साइड मिरर्स कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक ORVMs मिलती है। देन ये है गाड़ी का डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड भी अगर आप देखें तो आपको फुल ऑफ प्रीमियमनेस यहाँ पर डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे एक स्टिकर आपको मिलता है, जिसके ऊपर आप अपना जो गणपति वगैरह रहते हैं वो स्टिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक अटैचमेंट यहाँ पे मिलती है, शायद से आफ्टर मार्केट लगाई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है ये बार बार ख़राब नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसके ऊपर ही चिपका सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो ये पायोनियर का स्टीरियो लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो ये AC के कंट्रोल्स है, यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर इको मोड, पावर मोड और यहाँ पर आपको कुछ और भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे नीचे देखें तो इसका जो गियर बॉक्स है ये ऑटोमेटिक है, तो ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलता है, बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे अगर आप हैंडरेस्ट देखें तो हैंडरेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छी जो ये स्टोरेज स्पेस है। स्टेयरिंग अगर आप देखें तो स्टेयरिंग के ऊपर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा, बस आपको ये डिस्प्ले का एक कंट्रोल मिलेगा। सो ये बस आपको यहाँ पर मिलता है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की भी दिखा देता हूँ, तो ये है इस गाड़ी की की। यहाँ से हमें कुछ इस तरह से ये की लगानी पड़ती है, बिकॉज इसके अंदर आपको बटन स्टार्ट नहीं आएगा। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले जो है ये ऑन हो चुका है। अगर हम मेन्यू में जाए तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, सॉरी म्यूट का बटन है, मेन्यू का बटन आपको यहाँ से मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। देन ये गाड़ी कितनी चली है वो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाड़ी जो ये 155,000 किलोमीटर चली है। और एक बात अगर मैं आपको बताऊँ तो जो टोयोटा की कार्स रहती है
वो 3-3 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है, बिकॉज टोयोटा वारंटी देती है 3 लाख किलोमीटर की। तो ये गाड़ी जो है अभी तक सिर्फ आधी ही चली है, टोयोटा जो है 3 लाख किलोमीटर की अपनी वारंटी देती है। इस गाड़ी के लिए है या वो नहीं पता मेरे को, बट अभी जो टोयोटा कंपनी है वो 3 लाख किलोमीटर के लिए वारंटी देना शुरू कर दिया है टोयोटा ने। देन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको जो ये सन ब्लाइंड्स मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर जो ये सनग्लास होल्डर भी है, और यहाँ पे रीडिंग लैंप्स वगैरह है, तो ये भी आप चीज़ देख सकते हैं। देन अगर मैं आपको पीछे की कंडीशन दिखाऊँ तो यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे आपको जो ये पायलट सीट्स मिलती है, तो यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं ये रो में, और यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। बेसिकली ये एक 6 सीटर इनोवा है, तो इसके अंदर 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेपरेट जो ये पूरी सीट दी है, तो उसकी वजह से जो ये आराम से 6 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलता है। यहाँ पे एक नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, एसी के जो ब्लोअर्स है वो आपको यहाँ पे ऊपर ही मिलते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप जो ये कूलिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे लेवल्स दी गई है, और ऊपर अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे रीडिंग लैंप्स से अगर आप पूरे ही जो पीछे के पैसेंजर्स रहते हैं ना उनके लिए भी आपको यहाँ पे जो ये एसी के ब्लोअर्स मिलते हैं, तो कूलिंग इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी रहती है। और जैसे कि एक प्रीमियम कैटेगरी में आती है तो आपको उस तरह के सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। सो यहाँ पे पीछे जाने के लिए आपको ये सीट जो है यहाँ से फोल्ड करनी पड़ती है, तो एक बार मैं आपको फोल्ड भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप इस गाड़ी में पीछे जा सकते हैं। अभी मैं इसको अनफोल्ड कर देता हूँ और इस गाड़ी की एक बार मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो सो ये 2017 का मॉडल है, डीजल ऑटोमेटिक है, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 1,55,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली हुई है। अगर मैं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है 18.5 लाख में, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। मतलब आप यहाँ पे आके जो ये प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी के ऊपर आपको अप टू 13 लाख जो ये फाइनेंस मिल जाता है, मतलब 13 लाख तक आप इसके ऊपर जो ये फाइनेंस कर सकते हैं। देन ये वाली है सेकेंड वाली गाड़ी, और ये एक 2016 का मॉडल है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ग्रे कलर है, सिल्वर भी आप इसको बोल सकते हैं, काफ़ी मतलब सिल्वर से सिमिलर है, बट ग्रे की इसकी जो ये टोन आती है। अगर आप ये भी गाड़ी देखें तो यहाँ पे दोनों कांच के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड मिरर के अंदर आपको टर्निंग इंडिकेटर्स वगैरह भी मिलते हैं, बट ये वाला जो इसका पोर्शन है ये क्रोम में है। अगर आप इसके डोर हैंडल्स भी देखें तो ये भी पूरे ही क्रोम में है। ये गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन आता है, ये गाड़ी के अंदर भी आपको कीलेस एंट्री का जो ये ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर आप यहाँ से इस गाड़ी को देखें तो कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी पीछे से ये गाड़ी कैसी लगती है। ये वाला जो हम मॉडल देख रहे हैं ये एक 2.4V मॉडल है, एंड इसकी भी पीछे की अगर आप विंडोज़ देखें तो इसके अंदर भी डिफॉगर्स है, रेयर वाइपर है, इसके ऊपर ये जो है ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट फिटिंग करवाया है। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है इसकी भी, इसके ऊपर भी आपको हार्डली कोई स्क्रैचेस मिलेंगे। और ये है फिर से इस गाड़ी की फ्रंट लुक। ये गाड़ी जो है ये इससे सिमिलर चली है, मतलब जो ये 1,56,000 किलोमीटर चली है, 1,000 किलोमीटर ज़्यादा चली है, तो इनकी जो प्राइस होने वाली है वो भी लगभग सेम ही होने वाली है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। सो इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जो मॉडल है वो भी डिफरेंट है, 2.4V मॉडल है और 2016 का है। इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी कम होने वाली है, बट इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। इसके अंदर आपको जो ये पुश स्टार्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, सिंपली ये बटन दबा के ये गाड़ी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे छोटा सा MID का डिस्प्ले है, जैसा कि वो गाड़ी में आता था, और इसके अंदर ये वाला भी एक डिस्प्ले आपको मिलता है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे अच्छा आपको डिस्प्ले मिलता है। ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह भी है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिलती है विथ लाइट आती है, ये इस साइड में भी आपको सेम मिलती है। और इसका जो फिनिश है ना ये भी काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पे आपको फिनिश मिलता है। इसका जो रूफ़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप डैशबोर्ड देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पे पूरी ही उड़न की फिनिशिंग है। ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स, नीचे भी आपको यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिलता है, तो 2 ग्लव बॉक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्टेयरिंग देखें तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। एक बार में अगर आपको गाड़ी की कितनी चली है वो दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,56,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली हुई है। सो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। देन अगर आप सीट्स देखें तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, लेदर सीट कवर्स है,
और ये एक मैनुअल गियर बॉक्स है, तो यहाँ पे आप मैनुअल गियर बॉक्स भी देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। जिन लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है वो वाली गाड़ी ले सकते हैं, जिन लोगों को मैनुअल लेनी है वो ये वाली ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सेम आपको ये फीचर्स मिलते हैं, हैंडरेस्ट वगैरह आपको सेम मिलता है, एसी आपको यहाँ पे सेम मिल जाता है, पीछे भी आपको जो ये एसी के सेम जो ये ब्लोअर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये एक 8 सीटर है, बेसिकली ये जो थी मैंने आपको 6 सीटर बोली, बट इसको 7 सीटर बोलते हैं और इसको जो ये 8 सीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये पीछे 3 लोगों की स्पेस मिलती है, यहाँ पे 3 लोगों की स्पेस मिलती है, और यहाँ पे भी आपको जो ये 2 लोगों की स्पेस मिलती है। तो स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर आप ये ट्रे देखें तो आपको एक ट्रे मिलता है, इसके ऊपर आप जो ये कुछ ड्रिंक वगैरह अटका सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ खाने की चीज़ें रख सकते हैं, अपना लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे चीज़ मिल जाती है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके अंदर जो ये 2 कप होल्डर्स हैं, सो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर इसके अंदर पीछे भी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, आपको दिख रही होगी कि वो नहीं पता, बट यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग अभी चल रही है। और अगर आप इसके अंदर एक डिफरेंस देखें तो जो मतलब ब्लोअर्स की स्पीड कंट्रोल करने का यहाँ पे बटन है वो भी थोड़ा सा अलग है पिछली वाली गाड़ी से। सो यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती है। देन एक बार मैं आपको इसकी भी जो ये डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये गाड़ी जो ये 2016 की है, ये भी एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अगर मैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये गाड़ी जो यहाँ पे 17,90,000 में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये वाली भी गाड़ी पसंद आती है तो आप नासिक के कार मॉल में आकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस गाड़ी की भी जो प्राइस है उसके अंदर नेगोशिएट करते आएगा। देन जो गाड़ी है वो तो कितनी चली मैंने बताई दी आपको, 1,56,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली है। इसके ऊपर भी आपको जो ये फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, 12,50,000 तक आप इसके ऊपर जो ये फाइनेंस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको डील मिल जा रही है, आपको फाइनेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो ये 5-5.5 लाख तक आप ये इनोवा क्रिस्टा जो ये घर ले जा सकते हैं, बाकी की अमाउंट आप जो ये EMI थ्रू भर सकते हैं। डाउन पेमेंट आपको जो ये 5-5.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। देन ये है ब्राउन कलर की इनोवा क्रिस्टा, सो इसका ईयर मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। सो ये है 2016 की, अगेन ये एक 2016 की गाड़ी है और ये थोड़ी सी कम चली है, 71,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली है। हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूँ, जो पिछली वाली गाड़ी थी ना यहाँ पे, ये जो सिल्वर गाड़ी है ना, इसके अंदर आपको जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो ये हेलोजन लैम्प मिलेगा। नीचे अगर आप देखें तो ये आप यहाँ पे जो ये फॉग लैम्प देख सकते हैं, इसके अंदर आपको फिर से जो ये अगेन फर्स्ट वाली गाड़ी जैसा हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। तो ये मुझे थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल लगा, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा फिर से एक नीचे वाला मॉडल है। तो यहाँ पे आप इसकी भी लुक्स देख लीजिए, यहाँ पे ये जो ये 2.4G मॉडल है, अगेन ये वाला जो मॉडल था यही मॉडल है, बट इसके अंदर थोड़े कम फीचर्स रहने वाले हैं। सो पीछे की आप यहाँ पे लुक देख सकते हैं, शायद से किसी की पायलट कार है ये मतलब कोई सेलिब्रिटी रहेगा जिसकी ये पायलट कार रहेगी, ऐसा मुझे लगता है बट ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है वो पीछे के साइड में, आप माइंड मत करना। सो यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग वगैरह, यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं। ऊपर आपको पीछे के साइड में स्पॉइलर मिलता है, इसके अंदर स्टॉप लैंप भी है। ऊपर के साइड में सारी कार्स के अंदर जो ये शार्क फिन एंटीनाज है, तो ये यहाँ पे ये भी चीज़ आप देख लीजिए। देन जो डोर हैंडल्स है ये है फिर से क्रोम में, और यहाँ पे आपको इसके अंदर भी जो ये टर्निंग इंडिकेटर्स मिलता है। देन जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया है, ये गाड़ी जो है ये 71,000 किलोमीटर चली है, 2.4G मॉडल है, ये भी एक 7 सीटर गाड़ी है। सो यहाँ पे आप एक बार इसका भी इंटीरियर देख लीजिए, उससे पहले ये है इसकी की, इसके अंदर भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन है। और ये है गाड़ी का इंटीरियर, जो फर्स्ट वाली गाड़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर टोन्स है वो भी सेम है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर है। जो डैशबोर्ड है ये ब्लैक कलर में है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे भी आपको जो ये कप होल्डर मिलता है, तो अगर आपको कोई चीज़ ठंडी रखनी है तो आप वो चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं, अपना जो ग्लास है वो यहाँ पे रख सकते हैं, बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं, और जो एसी का ब्लोअर है ना उसकी हवा इसके ऊपर लग के ये ठंडा हो जाएगा, आपकी ड्रिंक जो है ठंडी हो जाएगी। इसके अंदर अगेन सेम जो ये पायोनियर का डिस्प्ले, शायद से स्टॉक ही आता है इस गाड़ी के अंदर, मुझे पता नहीं था बट इसके अंदर ये शायद से स्टॉक ही आता है। देन यहाँ पे अगर आप ग्लव बॉक्स देखें तो ये सेम आपको सारी चीज़ें मिलती है, 2 ग्लव बॉक्स है इसके अंदर भी। ये भी गाड़ी मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो इसके अंदर आपको पूरा जो इंटीरियर है ये फर्स्ट गाड़ी जैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है MID का, इसके अंदर आपको फुल साइज़ डिस्प्ले नहीं आता है, यहाँ पे जो हमारी पिछली गाड़ी में था वैसा आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिलता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2 साइड में गेजेस है, ये यहाँ पे
आपकी जो ये इन्फोटेनमेंट की स्क्रीन, ये एक टच स्क्रीन भी है शायद से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टच भी आप इसको कर सकते हैं। और कितनी चली है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 71,588 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली है, तो काफ़ी लेस ड्रिवन बोल सकते हैं। जो टोयोटा का इंजन रहता है ना गाइज, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी रिलायबिलिटी का इसके अंदर जो ये इंजन रहता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये इंजन जो ये चलता है, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे जो ये सनग्लास होल्डर है और ये सनब्लाइंड्स, सो ये भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगेन हमारे पास जो ये दूसरी ऑटोमेटिक गाड़ी है अवेलेबल है, इनोवा क्रिस्टा, और ये है इसकी रेयर सीट्स। तो रेयर सीट्स भी आपको सेम ही मिलती है, मैं बार बार आपको सेम चीज़ नहीं दिखाऊंगा, बट आप कंडीशन देख लीजिए सिर्फ, पूरी जो ये आपको सेम कंडीशन मिलती है। ये भी एक जैसे कि 7 सीटर गाड़ी है, तो पीछे यहाँ पे भी 3 लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको बूट भी दिखाता था, बट यहाँ पे जो है स्पेस थोड़ी कम है, सो प्लीज़ माइंड मत करना, बट आपको एक डिसेंट सी जो ये इनोवा के अंदर बूट स्पेस मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। सो एक बार हम इस गाड़ी की भी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल है ये 2016 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और गाड़ी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 71,000 किलोमीटर चली है। इस गाड़ी के लिए ये कम ही मानना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ, तो ये गाड़ी जो यहाँ पे 16,90,000 में अवेलेबल है, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। तो हमने यहाँ पे 3 इनोवा क्रिस्टा देखी, और तीनों की जो प्राइजेस है ये नेगोशिएबल है। यहाँ पे आपको जो ये आके प्राइस कम ज़्यादा करते आएगी, इसके ऊपर भी आपको जो ये फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप 11,80,000 तक इसके ऊपर जो ये फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप कितने प्राइस में ये गाड़ी घर ले जा सकते हैं। देन यहाँ पे ये है नेक्स्ट वाली कार, सो आप ये भी देख सकते हैं। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सी पुरानी वाली है, मतलब ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा पुराना है, ये 2011 का मॉडल आप देख रहे हैं, और ये एक 2.5V मॉडल है। गाड़ी जो ये अराउंड 110,000 किलोमीटर चली है, सो कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से प्राइस मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो है ये काफ़ी रिजनेबल लगी मुझे। 2.5V मॉडल है, और अगर आप यहाँ पे पीछे देखें तो यहाँ पे डिफॉगर्स भी है इसके अंदर भी, रेयर वाइपर है। अगर आप ये वाइट वाली गाड़ी भी देखें जो कि हमारी लास्ट वाली गाड़ी होने वाली है, तो इसके अंदर भी आपको पीछे के साइड में डिफॉगर्स एंड वाइपर्स मिलते हैं। और ये है इस गाड़ी की दूसरी साइड की कंडीशन, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर भी मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, उससे पहले फिर से एक बार आप सामने की लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से गाड़ी है। और अभी हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये भी एक डीजल गाड़ी है, इसको अनलॉक करने के लिए हमें बटन से ही अनलॉक करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। गाड़ी जो है ये अनलॉक हो चुकी है। अगर आप डोर देखें तो डोर में आपको यहाँ पे थोड़ी सी वुडन की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये है गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेदर सीट्स है। सामने आपको एक डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डिस्प्ले, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने की लगा ली है, गाड़ी जो ये आप कितनी चली वो भी देख सकते हैं, 110,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर सेंसर्स की जानकारी आएगी, और ये वाला जो ये मेरा वो टाइम का सबसे फेवरेट मॉडल था। यहाँ पे आप जो गाड़ी की पूरी कंडीशन है वो देख सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ पे 5.5 लाख में अवेलेबल है। ये एक अगेन एक 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं। पीछे से यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे पीछे 2 सीट्स है जो कि फोल्ड करके रखी है फ़िलहाल। एक बार मैं आपको ये गाड़ी की डिटेल्स बता देता हूँ। तो ये जैसे कि 2011 का मॉडल है, और ये एक थर्ड ओनर कार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ओनर कार है, एंड जो प्राइस है वो कोट की है 5.5 लाख रुपए, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये वाली गाड़ी पसंद आती है तो आप इसके लिए भी इंक्वायरीज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप 3,85,000 तक इसके ऊपर जो ये फाइनेंस कर सकते हैं। देन ये लास्ट वाली गाड़ी, ये 2014 का मॉडल है, मतलब जो इनोवा क्रिस्टा है वो आने से 1 साल पुराना ये मॉडल है। इसके बाद इनोवा क्रिस्टा का जो ये आगमन हुआ था, तो आप इसकी भी लुक्स देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे अपग्रेड्स मिलते हैं। हेडलैम्प्स अगर आप देखें तो दोनों का इसके अंदर हैलोजन हेडलैम्प्स से नीचे आपको जो ये फॉग लैम्प्स मिलते हैं। अलॉयज आपको जो ये इसके अंदर शायद से 60 इंचेस के मिलते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पिछले साइड में, आपको ये मैं अलॉय दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर आप डोर हैंडल्स भी अगर देखें ना, तो ये आपको क्रोम में मिलते हैं। और इस गाड़ी की जो लुक है वो कम्प्लीट आप यहाँ से देख सकते हैं। गाड़ी जो ये वाइट कलर में है और कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये कौन सा मॉडल है यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ।
मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो इसका जो स्प्लिट किया है, इसका जो नाम है वो स्प्लिट किया है, ये भी एक 2.5 वी मॉडल है, तो यहाँ पे 2.5 लिखा है और वो साइड में वी लिखा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया। बट कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंडीशन काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो ये इंटीरियर बता देता हूँ, तो यहाँ पे सो ये है इस गाड़ी की, इसको अनलॉक कर लेते हैं। सो और ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, इसके अंदर भी आपको जो सीट कवर है वो लेदर में मिलता है। एक बार मैं यहाँ पे डायरेक्टली की ही लगा लेता हूँ, गाड़ी कितनी चली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो ये 1,34,000 किलोमीटर चली है, 2014 का मॉडल है। और यहाँ पे ये है टच डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल है, तो आपको काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। ऊपर यहाँ पे जो ये क्लॉक है, डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, गियरबॉक्स इसके अंदर आपको मैनुअल मिलता है। सो कुछ इस तरह का इसके अंदर इंटीरियर है। ये है पिछली साइड का इंटीरियर, तो ये आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ये भी एक 7 सीटर गाड़ी है। एक बार मैं आपको ये गाड़ी की भी डायरेक्टली जो ये डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स के साथ ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये जो ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है वाइट कलर में, 1,34,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली है। सो इसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये गाड़ी जो यहाँ पे 10,75,000 में सेल पे अवेलेबल है। और इसके ऊपर भी आपको जो ये फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, नेगोशिएशन का ऑप्शन मिलता है। सो इसके ऊपर आप फाइनेंस कर सकते हैं 7,50,000 तक, और बाकी की अमाउंट आपको जो ये डाउन पेमेंट के लिए भरनी पड़ेगी। लगभग आपको जो ये 3-3.5 लाख की अमाउंट जो ये डाउन पेमेंट के लिए भर देनी पड़ेगी, 3-4 लाख की अमाउंट जो ये आपको भरनी पड़ने वाली है। देन अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा में अर्टिगा भी दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे कि 2 अर्टिगा पार्क है। सो ये जो ये 2013 का मॉडल है और ये यहाँ पे 6.5 लाख में अवेलेबल है, 82,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये वाली जो ये थोड़ी सी रिसेंट शायद से गाड़ी है, 2017 की होगी शायद से, तो यहाँ पे मैं आपको देख के बताता हूँ। ये जो ये 2018 की गाड़ी है, ये एक फर्स्ट ओनर गाड़ी है एंड 53,000 किलोमीटर जो ये गाड़ी चली है। सो इस गाड़ी की जो प्राइस है ये 9.5 लाख रुपये कोट की है। सो अगर आपको इन कार में से भी कोई गाड़ी पसंद आती है तो आप ज़रूर कारमॉल नासिक केंद्र आके विजिट कर सकते हैं। सो गाइज़ ये थी कुछ इनोवा की वीडियो, आपको ये सारी इनोवा कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और थोड़े दिन में जो ये और भी यहाँ पे इनोवा का स्टॉक भरने वाला है, मतलब और भी यहाँ पे जो ये इनोवा क्रिस्टा आने वाली है, तो यहाँ पे आज हमने 3 इनोवा क्रिस्टा देखी, इसके अलावा और भी 3 आने वाली है, तो मैं 6 इनोवा क्रिस्टा का और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारी कार्स के अंदर जो है डिफरेंस भी समझेगा और आपको जो ये चूज़ करने के लिए एक अच्छी गाड़ी भी मिल जाएगी अगर आप एक इनोवा क्रिस्टा लेना चाहते हैं तो। सो अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।